नमस्कार, न्यूज क्लिक में मैं आपको स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आज चर्चा का विषय है ये व्हाट्सएप का जो नया जो अधिनियम, जो नया इनका जो रूल्स इन्होंने बनाया निजता के बारे में, प्राइवेसी के बारे में। इसके माने क्या है, इसका मतलब क्या है? आप जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आपका जिस तरह से आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस विषय के ऊपर आज मेरे साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से जोड़ रहे हैं मिशी चौधरी। मिशी चौधरी वकील है, ये प्रयुक्त की और इसके साथ जो वकालत जो 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 कानूनी जो स्थिति है इसके ऊपर वो काम करते हैं। वो निर्देशक है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, ये इनका दिल्ली में भी दफ्तर है, न्यूयॉर्क में भी वो काम करते हैं। तो मिशी जी, आप जरा सरल भाषा में न्यूज़क्लिक का दर्शक को समझा दीजिए। पहले एक व्हाट्सएप ने कहा था 8 फरवरी तक अगर जो व्हाट्सएप का जो अपने कारोबार के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, नया उनका जो नियम है और निजता प्राइवेसी का जो नया अधिनियम है, इसके साथ अगर नहीं मानेंगे तो वो व्हाट्सएप का सेवा इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। फिर इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल में जा रहे हैं, टेलीग्राम में जा रहे हैं। फिर ये जो डेडलाइन है 8 फरवरी से 15 मई तक कर दिया, और उन्होंने बोल रहे कि इसमें आम आदमी का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका अपना जो निजता है, आपका जो आपका व्यक्तिगत जो आप सूचना भेज रहे हैं, इसके ऊपर कोई नहीं असर पड़ेगा। और ये सिर्फ है जो बिजनेस अकाउंट है, जो अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि उनके सारे जो सूचना है व्हाट्सएप फेसबुक के साथ वही मेटा डेटा है उनको देंगे। और आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी है, मालिकाना एक ही है, मार्क ज़करबर्ग इनकी मालिक है। तो जरा आप सरल भाषा में समझा दीजिए ये व्हाट्सएप का ये नया जो नियम अधिनियम निजता के ऊपर जो लाए हैं, इसका माने क्या है, मतलब क्या है? शुक्रिया परंजॉय, मुझे मुझसे बात करने के लिए और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। आपने अच्छा तरीके से, अच्छे तरीके से बता दिया है कि रिलेशनशिप क्या है फेसबुक और व्हाट्सएप का, कहाँ से ये बात शुरू होती है। फेसबुक $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदता है 2014 में। अब आप कुछ खरीदने जाएं या मैं कुछ खरीदने जाऊं, किसी चीज के लिए इतने पैसे दे दें तो उसके बाद उसका कोई तो इस्तेमाल करेंगे ही। अब ये एक कंपनी है, $19 बिलियन जब खर्चती है और पैसा तय करती है और उसके बाद $21 बिलियन फाइनल पेमेंट करती है, तो आ तो जाता है ये फेसबुक के परिवार में। पर अब देखा जाएगा कि पैसे कैसे बनाए जाएगा। हम सबको व्हाट्सएप फ्री मिलता है। कुछ समय पहले जब इन्होंने खरीदा नहीं था तो व्हाट्सएप के जो उस समय फाउंडर्स थे, जब ये अलग कंपनी थी, तो उन्होंने एक बार कोशिश की थी $1 जो चार्ज करने की पूरे साल का। कई देशों में वो चार्ज करते थे, कई देशों में वो नहीं पैसा लिया जाता था। तो हर कोई ये सोच रहा था पैसा कैसे कमाएं। पर फिर मार्क ज़करबर्ग, जो कि नई चीजें बनाते तो कम है लेकिन खरीदते ज्यादा है या चोरी कर लेते हैं चीजों को, तो उन्होंने व्हाट्सएप खरीद लिया। उसके बाद ये देखा गया कि बहुत सारे लोग, अब अगर हमने देखा हो कि गलत खबरें फेसबुक पर बहुत फैली जाती है। 2016 का इलेक्शन हुआ जब अमेरिका में और ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और ये पता चला कि फेसबुक बहुत सारे लोग कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा इधर उधर पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के लिए झूठी चीजें फैलाने के लिए यूज करते हैं। हमने ये भी देखा कि अब जो यंगर जनरेशन है वो या टिकटॉक यूज करना चाहती है या इंस्टाग्राम जो फोटोग्राफ्स बेस्ड सोशल मीडिया चैनल है उसे यूज करना चाहती है। तो ज़करबर्ग इंटेलिजेंट हैं, उन्हें ये पता चल गया है कि उनका जो मेजर प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है फेसबुक, उसकी
कुछ वैल्यू तो है लेकिन अब उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन या तो प्राइवेट मैसेजिंग एप्लीकेशंस में करते हैं, जैसे कि मैं और आप, मैं अपने परिवार से, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ, चाहे वो ये रोज अपने माँ बाप का हाल पूछना हो कि वो कैसे हैं, या अपने दोस्तों से टच में रहना हो, या ये देखना हो कि क्या हो रहा है, तो व्हाट्सएप हम सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके की कुछ अलग एप्लीकेशंस हैं, टेलीग्राम और सिग्नल वगैरह, आपने रेफर किया उस समय अर्लियर, आपने पहले बोला उसके बारे में, और हम बाद में बात करेंगे कि वो क्यों व्हाट्सएप से बेहतर हैं। लेकिन व्हाट्सएप इस समय हर कोई यूज करता है, और इंडिया व्हाट्सएप की सबसे बड़ी मार्केट है। लगभग लगभग 50 करोड़ लोग भारतवर्ष में, भारतवर्ष का लोक संख्या है, जनसंख्या है 135 करोड़, लगभग 50 करोड़ लोग ये खुद व्हाट्सएप कह रहे हैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, एंड अब आप तभी आप देख सकते हैं कि जब इतने सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और अभी आपने बोला जनसंख्या कितनी है हमारी, और हमारे पास उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फीचर फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन नहीं है उनके पास, तो व्हाट्सएप और फेसबुक चाइना में तो अलाउड नहीं है, अमेरिका में ये इतना पॉपुलर नहीं है प्रोडक्ट, यूरोपियन यूनियन भी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है। तो आप ये देखिए पहले तो कितने और यूजर्स आ सकते हैं, ये डबल हो सकता है इनका नंबर। चाइना में ये अलाउड नहीं है, और चाइना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना के अंदर एक अलग एप्लीकेशन है, उसका नाम है वीचैट, जो अगर आप चाइना जाएं तो बड़ी ही पॉपुलर है, और उसके बिना आप चाइना में असल में कुछ खास कर नहीं सकते। वो ऐप कैसी है, व्हाट्सएप जैसी है, लेकिन उसमें से आप टैक्सी ऑर्डर कर सकते हैं, उसके अंदर से आप कोई भी चीज की खरीदारी करके पेमेंट कर सकते हैं, अपनी एयरलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, बस की टिकट बुक कर सकते हैं, आप कुछ अगर घर का खाने पीने का सामान ऑर्डर करते हैं तो वो भी आप उसी से ही पेमेंट कर सकते हैं, आप आपके जॉब पोर्टल्स हैं उसके अंदर, वो एक ऐसी चीज है, अगर आप सब्जी खरीदने जाएं और सड़क पर कोई आदमी सब्जी बेच रहा है चाइना में, तो उनके पास QR कोड होता है आजकल, तो आपसे कैश नहीं लेते, QR कोड आप स्कैन करते हैं उस ऐप से और आप खरीद सकते हैं। अब फेसबुक व्हाट्सएप को चाइना में एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ अपने ऐप्स अलाउ करती हैं, लेकिन मार्क जकरबर्ग को चीटिंग करना बहुत अच्छा लगता है लोगों के फीचर्स को, वो वीचैट बनना चाहते हैं इंडिया का और बाकी दुनिया का, वो चाहते हैं सारी चीजें इस एक एप्लीकेशन में कॉन्ग्रीगेट हो। एक मिनट मिशी जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इस विषय के ऊपर अभी भी अदालत में मामला चल रहा है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप जवाब दीजिए, अभी जो जो आपका जो जो आरोप है कि आप भारतवर्ष के जो कानून है, जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो कानून है, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसका आपने उल्लंघन कर रहा है, आप निजता, जो राइट टू प्राइवेसी है, जो हर व्यक्ति का निजता का जो अधिकार है, इसका उल्लंघन कर रहा है। और सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी देख रहे, फिर भी व्हाट्सएप ने साफ कह दिया कि नया हमारे जो नियम है, जो अधिनियम है, अगर आप नहीं मानेंगे हम 2-4 बार आपको याद दिला देंगे, बार बार आपको याद दिला देंगे, और फिर भी अगर आप नहीं मानेंगे, यानी कि आपका जितने सारे सूचना फेसबुक के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा, तब एक जगह आएगा तो आपका हम बंद कर देंगे, आपका चैट में जितने लोग हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप मैसेज नहीं मिल सकते हैं, आपका नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेंगे, आप टेलीफोन कॉल नहीं कर पाएंगे, ये सब उन्होंने कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका व्हाट्सएप आप अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सूचना है, जो तकनीकी भाषा में कहते हैं मेटा डेटा, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक के साथ आपको फेसबुक को देना ही पड़ेगा, इसका मतलब क्या यार, इसमें आपका कौन सा ग्रुप का मेंबर है, आप कौन सा टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन आपका सूचना, आप जो भेज रहे हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, ये सारी सूचना उनके पास, आप व्हाट्सएप में इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक के पास भी ये सारे सूचना पहुंच जाएगा। मैं ठीक तरह से समझा? बिल्कुल,
परंजोय, आप ये फरवरी में जब फरवरी 8 की पहली डेट दी गई, व्हाट्सएप ने कहा कि हमारी ये नई पॉलिसीज हैं, आप इसे इसे एक्सेप्ट कर लें, जिसे कंसेंट कहा जाता है, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात है कि आपको हमने पूरी सूचना दी कि ये आप, और आपने पढ़ा और आपने कह दिया हाँ। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हम कितनी एप्स डाउनलोड करते हैं, हम सिर्फ फटाफट नीचे स्क्रॉल करके आई एक्सेप्ट हाँ 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 कर देते हैं, कोई नहीं पढ़ पाता है, और क्योंकि उनको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, आपको एक्चुअली वकालत की डिग्री होने के बाद भी समझना थोड़ा मुश्किल ही होगा। जब फरवरी 8 की डेट दी गई और बहुत शोर मचाया गया, हमारे जैसे कुछ लोगों ने, कई और लोगों ने लिखा गया, उनसे पूछा गया, तब उन्होंने वो डेट आगे बढ़ाकर मई 15 की कर दी, जो कि इस शनिवार को थी। मई 15 की डेट को चैलेंज करने के लिए, जैसे आप कह रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस हुआ, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक केस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पे ऑलरेडी चल रहा है। वो फरवरी 15 को वो केस आया था, जिसमें जो जस्टिसेस थे उन्होंने पूछा भी कि क्या एक प्राइवेट कंपनी इतने सारे लोगों की प्राइवेसी, उनके जो निजता का अधिकार है, उसको किसी भी तरीके से उसका निश्चय करके अपने आप कोई किसी भी तरीके से चेंज कर सकती है। तो सवाल जो उसका सवाल का जवाब है, हाँ कर सकती है, ये कोई सरकार नहीं है, ये एक निजी कंपनी है, वो आपको अपना जो भी बेच रही है वो अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे बेच सकती है। मैं एक दुकान खोलती हूँ, मैं उसके अंदर आपको आने देना चाहूँ या ना आने देना चाहूँ, ये मेरी मर्जी है, तो मेरी पर्सनल दुकान है, अगर मुझे आप नहीं पसंद है तो मैं कह देती हूँ आप नहीं आ सकते। हालांकि क्या है हमारे देश के अंदर, उससे बड़े कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि आप किसी की शक्ल देखकर या आपकी उसकी रिलीजन देखकर या आप किसी और तरीके से ये नहीं कह सकते कि मैं एक लड़की को तो बेचूंगा लेकिन लड़के को नहीं बेचूंगा, या मैं मुसलमान को बेचूंगा हिंदू को नहीं बेचूंगा, या इस तरीके के कोई भी आप डिसीजन नहीं ले सकते। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जो आईटी एक्ट है वो असल में पूरा पड़ता ही नहीं है इन बातों को एड्रेस करने के लिए। 3 साल से ये सरकार कह रही है कि हम निजता पर कानून लेकर आएंगे, के एस पुट्टस्वामी की जजमेंट के बाद, लेकिन ये सरकार खुद ही सिर्फ चक्कर पे चक्कर लगाए जा रही है, कभी रिपोर्ट कुछ नहीं आया है। जस्टिस राय साई कृष्णा ने रिपोर्ट दी, इन्होंने कहा रिपोर्ट आ गई, उसके बाद पकड़े गए कि व्हाट्सएप से ही हमारी ये सरकार बहुत सारे वकीलों एक्टिविस्ट के ऊपर खुद ही स्पाई कर रही थी, फिर वो बात बंद हो गई, थोड़े दिन शोर मचा, जिसके अंदर मिनिस्टर साहब ने व्हाट्सएप के ऊपर ही लिख दिया कि अरे तुम्हारी व्हाट्सएप में ही कोई दिक्कत होगी जिससे हम ये जिससे ये सब हो रहा था। उसके बाद भी ये कानून हमारे पास नहीं है, तो व्हाट्सएप जब दिल्ली हाईकोर्ट को ये कहता है कि मैं कोई भी कानून नहीं तोड़ रहा हूँ, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा देश ही इस बात में फेल हो गया है कि हम अपने देश के लोगों की प्राइवेसी, उनकी निजता को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए ये जो नई पॉलिसी अपडेट है, अगर आप यूरोपियन यूनियन में रहते हैं, अगर आप फ्रांस में रहते हैं, जर्मनी, बेल्जियम, ईस्टर्न यूरोपियन, इस तरह से आप कुछ नहीं कर पाते, आपको सरकार करने, उन्होंने रूल पास किए हैं, उनका उनके पास कानून है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसीलिए मार्क जकरबर्ग वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब व्हाट्सएप एक अलग तरीके का चलता है यूरोप में, इंडिया में अलग, और बाकी कहीं जिस देश में जो कानून है उसमें अलग। तो अब वो जब ये कह रहे हैं कि मई 15 को उन्होंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि ये तो सभी करते हैं और ये तो सरकार की खुद की एप्स कर रही हैं, तो व्हाट्सएप वहां गलत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार की ये ऐप, चाहे आरोग्य सेतु है या कोविन है या कुछ, ये खुद भी कभी हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ फंस गए हैं जहाँ सरकार दिखावा तो एक तरीके का कर रही है जब उसका फायदा होता है, और एक निजी कंपनी है वो भी सही कह रही है कि जब कोई आपका कानून ही नहीं है तो बिल्कुल आपने जैसे ठीक कहा, फेसबुक एक निजी संस्था है, उनका लक्ष्य है अपना मुनाफा बनाना, मुनाफा जितना बढ़ेगा उनके लिए अच्छा है, मार्क जुकरबर्ग, शेरिल सैंडबर्ग के लिए ये अच्छे हैं, और सिर्फ
जी छोटा मोटा कारोबार नहीं, आप दुकान की बात कर रहे हैं। विश्व का इतना बड़ा एक बहुराष्ट्रीय संस्था है, विश्व की सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय संस्था में एक है ये फेसबुक। फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि आप क्या सलाह देंगे अगर लोग अपना निजता के बारे में, अपना सुरक्षा के बारे में ज्यादा वो चिंतित है, तो व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल या टेलीग्राम में जाना चाहिए, यही सलाह आप देंगे? जी मैं ये कहूंगी कि अगर आपको ये इस तरीके के इंटरव्यू में नहीं बैठना है समझने के लिए कि हो क्या रहा है, अगर आप बार बार ये कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में और बहुत सारी मुसीबतें हैं झेलने के लिए ये देखने की बजाय कि कब कौन सी पॉलिसी चेंज हो रही है, तो आप सिग्नल इस्तेमाल कीजिए। वो आपके बारे में कोई डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं, वो आपको वो सारे फीचर्स देते हैं जो व्हाट्सएप देता है। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं किसी बिना कॉस्ट के, आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, आप मैसेजेस चेंज कर सकते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं। उसके अंदर आप एक और चीज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि परंजॉय और मिशी जब सिग्नल पर बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आपसे 5 मिनट बाद अपने आप गायब हो जाए या दस भी मिनट बाद आप अपने आप, डिसअपियर कर सकते हैं, आपका मैसेज डिसअपियर हो जाएगा। बिल्कुल 1 घंटा, अगर आप 1 दिन रखना चाहते हैं, 1 हफ्ता रखना चाहते हैं, आप वो सेटिंग्स भी बना सकते हैं। आप स्टिकर भेजना चाहते हैं किसी को, आप किसी को गिफ्ट भेजना, अगर आप जिफ्ट भेजना चाहते हैं, आप कुछ भी इस तरीके की चीजें करना चाहते हैं, आप सिग्नल में कर सकते हैं। और क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है संस्था, वो एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका मेजर पैसा, उसकी फंडिंग व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने ही दी है, इसलिए क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई मार्क जकरबर्ग से कि हमने तो ये लोगों की निजता के लिए बनाई थी, तुम उनको अब धोखा दे रहे हो, हम ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है, तभी चलिए, वो अलग भी हो गए। तो आप सिग्नल जरूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपके जानने वाले अभी नहीं करते हैं और कई लोग व्हाट्सएप पे हैं, तो हर इंसान अगर एक को कन्वर्ट करके सिग्नल पर ले आएगा तो हम सारे लोग सिग्नल पर हो जाएंगे। फिर हम कभी ये नहीं कह पाएंगे अरे वो तो मेरा जानने वाला व्हाट्सएप पर चलिए ही है सिर्फ। चलिए चलिए। नहीं, लोग एक चीज इस्तेमाल करते करते वो एक तरह से उसका अभ्यास ऐसा हो जाता है और नया नया कुछ नहीं करता चाहता। अभी समय बताएंगे। मिशी जी, मेरा आखिरी सवाल था। काफी साल से भारत सरकार और भी लोग, आप जैसे व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति, कहते हैं कि व्हाट्सएप का जो तकनीक है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि जो कुछ सूचना, कोई वीडियो, कोई मैसेज बना रहे हैं और जो वितरण कर रहे हैं, और जिन लोग के पास जा रहे, वितरण माने आप जिसके पास भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है कौन क्या कर रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, और सरकारी भी बोला ये बहुत कुछ, जो जो कोई अपराधी कोई खराब काम किया, किसी को हत्या किया, किसी को, किसी महिला का बलात्कार किया, अगर ये आपका जो सबूत है ये व्हाट्सएप में है, तो जब तक पुलिस अधिकारी आपका फोन गिरफ्तार में अपने आप को पास नहीं ले आते हैं, ये सूचना कभी नहीं आएगा। सचमुच ये एविडेंस है कि नहीं, सचमुच ये सबूत है कि नहीं? और सरकार बार बार व्हाट्सएप के से कह रहे हैं, आप बताइए कौन ये पहला बार किया? समझ लीजिए कोई ऐसा सूचना दिया जिसके लिए कोई हिंदू मुसलमान दंगा लग गया, तो कौन पहला किया था? ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, जो पहला ये सूचना दिया, ये कौन है? मगर ये सारी सूचना व्हाट्सएप सरकार के पास, अदालत के पास, किसी के पास नहीं देने चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा तकनीक ऐसे है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो रास्ता तो क्या ये है? और बात तो रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल सही है, और यहीं पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है जिसका फायदा सरकार भी उठाती है और व्हाट्सएप भी उठाते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर मिशी परंजॉय से बात कर रही है व्हाट्सएप पर, तो जो मैसेज लिखा है, अगर आपने और मैंने डिसाइड किया आज हम ये इंटरव्यू करेंगे, 8 बजे करेंगे इंटरव्यू,
आपने उस मैसेज में लिखा, मिशी हम 8 बजे व्हाट्सएप पे इस चर्चा करेंगे ये बात। लेकिन जो मैसेज आपने मुझे भेजा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है कि कोई भी वो मैसेज नहीं पढ़ पाएगा कि परंजॉय ने मिशी को क्या लिखा। लेकिन व्हाट्सएप मेटा डेटा कलेक्ट करता है, वो ये कहता है एक नंबर है वो परंजॉय का नंबर है, एक नंबर है वो मिशी चौधरी का नंबर है, ये उन्हें मालूम है या नहीं वो किसका नंबर है, लेकिन दो फोन नंबर्स हैं, इन्होंने आपस में इस समय बात की, कितनी देर बात की वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास है, कौन से दो नंबर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास है, लेकिन क्या बात की उन्हें नहीं मालूम है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम सब चाहते हैं और हम सबको चाहना भी चाहिए कि हम अपनी कम्युनिकेशन को प्राइवेट रख सके। और इसमें जो भी ये कहता है, अरे हमने जब कुछ गलत नहीं किया तो क्या जरूरत है छुपाने की, अगर कुछ ऐसा है तब आप छुपा क्यों रहे हैं, तो बात ये भी हो सकती है कि मैं किसी से प्रेम की बात कर सकती हूँ, मैं अपनी माँ से या अपने पिताजी से कोई बात कर सकती हूँ जो मैं किसी और को नहीं बताना चाहती हूँ, मैं अपने क्लाइंट से बात कर सकती हूँ, मैं कई ऐसी बातें हैं जहां हमने कुछ गलत नहीं किया होता लेकिन हम नहीं चाहते हैं। हम बाथरूम का दरवाजा क्यों बंद करते हैं, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, सभी करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाथरूम का दरवाजा खोल दें, हम अपने घर का दरवाजा क्यों बंद करते हैं। तो वही बात है, तो हम सबको चाहिए कि हमारे मैसेजेस प्राइवेट रहें। व्हाट्सएप ये मेटा डेटा कलेक्ट करता है, सिग्नल ये भी नहीं कलेक्ट करता है कि आपने कितनी देर बात की या क्या। अब ये बात जो मैसेज नहीं पता चल रहा है, इसी को एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास नहीं है कि उस मैसेज के अंदर क्या लिखा था। लेकिन जहां सरकार इस बात को टोटल घुमा देती है और कंफ्यूजन कर देती है, सरकार चाहती है कि अगर सरकार किसी से बात करना चाहे या उनके लोग आपस में बात करना चाहे तो फुल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पर रोजमर्रा के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। और हमेशा का कहा क्या जाता है, हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे बिल्कुल टेररिस्ट आ गए और सब गड़बड़ हो गई। अब हम सड़क भी इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट भी सड़क इस्तेमाल करते हैं, क्या करें, बंद करते हैं सड़क। अगर हम टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को रिस्क असेसमेंट कहा जाता है कि आप हर चीज का देखते हैं कि कुछ लोग तो कोई भी टूल बना लीजिए उसका गलत इस्तेमाल करेंगे ही। अगर कोई किसी माध्यम का कोई किसी ने दुरुपयोग कर रहा है, कोई आतंकवादी या कोई अपराधी, इसका मतलब नहीं है कि आप पूरा माध्यम को बंद कर दे, यही आप कहना हाँ, चाहते। और ये भी ना कहें कि हम सारे ही क्रिमिनल हैं। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि कभी भी हम हमेशा ये सोचते रहे कि हम कोई ना कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ क्रिमिनलिटी। सरकार से ये पूछें, जब आप ये मानते हैं कि कौन है पहला इंसान जिसने ये किया था, अगर इस बात का सच निकल है तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज से कई चीजें नहीं निकल आएंगी कि कहाँ पे ये मिस इन्फॉर्मेशन कई बार आती है। अगर वो सचमुच इस बात में इंटरेस्टेड है तो दिखाएं कितने क्रिमिनल केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं। हमें आज तक ये एविडेंस नहीं मिला है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हाथ हिलाकर और बहुत ही इमोशनल स्पीचेस दे दी जाती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या कहीं। डेटा बेस्ड एविडेंस दिखाएं हमें, हमें दिखाएं कि क्यों बाकी देशों के कंपनीज में भी ये, बाकी देशों के यहाँ भी ये काम करते हैं, वहां की पुलिस कैसे काम कर पा रही है, कि वहां के लोग कैसे ले पाते हैं वो सारा एविडेंस। तीसरी बात आपने कही कि पुलिस आती है आपका फोन ले जाती है, ये मैं आपके सब दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि वो इलीगल है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो रहा है बिना लॉ के। पुलिस आकर बिना एक्चुअली वारंट्स के, जिसमें लिखा हो कि आपका क्या सामान ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं, वो आपका फोन आपका कंप्यूटर नहीं छीन सकते। ये हर जगह आज तक करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो आपको डराते हैं, क्योंकि हम सबने अपने अधिकारों की जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में रख दी है सिर्फ, और वो सिर्फ वकीलों के पास में रख दी है, ताकि आप सब लोग मेरे जैसे लोगों को खूब पैसा दें, हम आपको चार्ज करें, और फिर हम आपको एक सिंपल सी चीज जो आपको खुद भी समझ होती, उसके लिए आपको पुलिस से लड़कर आपकी चीजें वापस दिलवाएं। तो हमारे अधिकार हमें देते हैं कि पुलिस को हम कहें कि ये तुम्हें कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान में क्या होगा, पुलिस वाला 2 झापड़ मारेगा और लेकर चला जाएगा। और वही चीजों के लिए हम सबको खड़े होकर कहना है कि नहीं, पहले मुझे दिखाओ
क्या कौन सा पेपर लेकर आए हो, किस मैजिस्ट्रेट ने तुम्हें कहा है कि तुम मेरे घर आके मेरा फोन मेरी, क्योंकि आजकल हमारी सारी जिंदगी हमारे फोन में है। एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि आपको चाहे वैक्सीन लगवानी हो या फिर आपको मरना भी हो तो आधार नंबर लेकर आइए, और उसका सारा कुछ हम ऐप से करेंगे। आप तो मर भी नहीं सकते हैं आधार नंबर के बिना, आपकी तो डेड बॉडी भी नहीं रिलीज होगी। और ये आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद झेल चुकी हूँ कि ये हमें जीना तो मुश्किल कर ही दिया है, मरना भी मुश्किल कर दिया इन एप्स के लिए। तो अगर हम चाहते हैं एक असल में टेक्नोलॉजी को यूज करना अपने फायदे के लिए इस देश में, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, मैं हर चीज एकदम टेक्नोलॉजी से ही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने अधिकार नहीं खोने देना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कोई और मेरे लिए डिसीजंस ले, चाहे वो मिस्टर जकरबर्ग हो या हमारी सरकार। धन्यवाद मिशी जी, आपने आपने सरल भाषा में समझाया। हमें मालूम है कि अपने परिवार में आपका क्या क्या त्रासदी हुई है, फिर भी आप समय निकल करके हम न्यूज क्लिक का दर्शक को ये सरल भाषा में आपने समझा दिया। और समय बताएंगे हमारा न्यायालय क्या बताते हैं, हमारा कंपटीशन कमीशन क्या बताते हैं, हमारा भारत सरकार क्या करेंगे, नया कानून क्या आएगा या नहीं आएगा, ये समय बताएंगे। और व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक या जकरबर्ग जी या सैंडबर्ग जी क्या करेंगे या नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आप सबको हम आपने मिशी चौधरी जी के बात सुन रहे थे, ये व्हाट्सएप का नया नियम अधिनियम के बारे में, निजता के बारे में, अपनी निजता के बारे में बातचीत हो रहे थे। और आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद। We'll be right back.